नमस्कार विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की इस कक्षा में आज हम एक आधुनिक समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह का अध्ययन करेंगे। योगेंद्र सिंह के सिद्धांत, उन्होंने आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, इन पर अपनी बात रखी है। आज हम उनके अध्ययन करेंगे भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। योगेंद्र सिंह एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने बहुत सी परंपराओं के बारे में चर्चा की है, भारत में होने वाले परिवर्तनों की चर्चा की है। इनका संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने रखूंगा। योगेंद्र सिंह का जन्म 2 नवंबर 1932 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक जमींदार परिवार में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यहीं आपका समाजशास्त्र के प्रतिष्ठित विद्वानों राधाकमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, डीएन मजूमदार, बलजीत सिंह, एके शरण से आपका संपर्क हुआ, उनसे आपने ज्ञान प्राप्त किया। डॉक्टरेट प्राप्त करने के बाद आपने आगरा के सोशल साइंसेज में 3 साल अध्यापन कार्य किया। इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में टीके उन्नीनाथन और प्रोफेसर इंद्रदेव के साथ समाजशास्त्र का एक नया विभाग खोला और फिर चले गए आप दिल्ली, नई दिल्ली में जेएनयू में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम अध्ययन केंद्र में, जहां आपने कई इनके अंदर में कई लोगों ने पीएचडी करी और कई नियम बनाए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इनकी प्रमुख पुस्तकें जो हैं, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण 1973 में आई, आधुनिकीकरण पे निबंध 1970, सोशल सर्टिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया 1978, मनुष्य की छवि, भारतीय समाजशास्त्र में विचारधारा और सिद्धांत, भारतीय समाजशास्त्र, सामाजिक और उभरती चिंताएं, भारत में सामाजिक परिवर्तन, संकट और लचीलापन, भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन, पहचान और वैश्वीकरण, भारतीय समाजशास्त्र में विचारधारा और सिद्धांत 2004 में। इनमें वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति के सामाजिक पहलू, गैर हिंसा और शांति का समाजशास्त्र, संस्कृति का समाजशास्त्र, भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन, भारत का समाजशास्त्र, ये कई करी हैं। वास्तव में योगेंद्र सिंह एक गतिशील प्रकारवादी सिद्धांतकार के रूप में जाने जाते हैं। आपने प्रकारवाद के साथ साथ उन्होंने हर परिवर्तन की जो व्याख्या की है वो समय और संदर्भ है ना, कॉन्टेक्स्ट और टाइम के परिप्रेक्ष्य में की है। उनका जो उपागम है गतिशील प्रकारवादी है। यहां उनका था भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। वो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये इनके एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन वास्तव में ये भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के आंतरिक कारक को बताते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो भी परिवर्तन हुए हैं वो अनुकूलनशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, ना कि क्रांतिकारी परिवर्तन के। मतलब भारतीय संस्कृति अपने आप उनको अनुकूलन कर लेती है हर चीज का। जैसे मुगल आए तो मुगल की संस्कृति को हमारे यहाँ के संस्कृति ने उसके साथ एडजस्टमेंट कर लिया, अनुकूल कर लिया। यहाँ पे सदियों से एकता और संस्कृति जो है, भारतीय एकता और संस्कृति जो है, धार्मिक सिद्धांत उसकी पुनर्व्याख्या पे आधारित रही है। वैदिक संस्कृति में ना सिर्फ कर्मकांड होते थे, विश्वास, सांस्कृतिक क्रियाएं होती थी जो कि विश्व के हर धर्म से अलग है। ये अपनी मूल संस्कृति पर आधारित है। सिंधु घाटी की सभ्यता हम सभी जानते हैं, विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट संस्कृति है, सभ्यता है, जिसमें नगरवाद की झलक मिलती है। फिर मध्यकाल का भक्ति आंदोलन, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर में आंतरिक परिवर्तन लाए। मतलब भक्ति काल में जो आंदोलन हुआ उसमें सांस्कृतिक धरोहर में हमारे आंतरिक परिवर्तन आए। इसलिए भारतीय संस्कृति के वो दो पक्ष की बात करते हैं, एक है उसमें ऑर्डर यानी व्यवस्था और दूसरा है परिवर्तन अर्थात चेंज। कहते हैं भारतीय संस्कृति में व्यवस्था और चेंज, ऑर्डर और चेंज, व्यवस्था और परिवर्तन पैरेलल साथ साथ चलते हैं। भारतीय समाज एकता की भावना में हम उसके यहाँ के स्त्रीकरण से समझ सकते हैं। आप देखेंगे हमारे यहाँ जाति व्यवस्था में समाज का स्त्रीकरण किया गया, बल्कि वो नातेदारी और धर्म में भी देखने को मिलता है। यहाँ समूह जो है हमारे यहाँ व्यवस्थाओं, धार्मिक कर्मकांड, कर्म कांडों में देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में कर्म के आधार पर व्याख्या की गई है, जन्म और पुनर्जन्म को मानती है। ये कहते हैं यहाँ पे जो व्यक्ति अच्छे कार्य, निम्न जाति का व्यक्ति अगर अच्छे कार्य करता तो उसको अगले जन्म में उच्च जाति में जन्म मिलेगा। परंपरा और आधुनिकीकरण की व्याख्या वैदिक काल से उन्होंने की है कि यहाँ पे वैदिक काल जो कि उसके पहले भी जिसमें महाभारत की चर्चा की गई थी, से लेकर गुप्त काल तक भारतीय संस्कृति में लगातार इंटरनल आंतरिक रूप से परिवर्तन हुए। गुप्त काल में भारतीय संस्कृति सबसे गौरवमय थी। इस युग में स्मृति, महाभारत, रामायण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामसूत्र, समाजशास्त्र जैसी पुस्तकों का निर्माण हुआ। वो कहते हैं भारतीय संस्कृति में काम जो व्याख्या की गई है, काम की भावना, धर्म की भावना, अर्थ की भावना पर आधारित है। 3 चीजों पर भारतीय संस्कृति विवेचित है। इसमें यह बहुल है, स्त्रीकरण के साथ साथ
बहुलवाद है, यहाँ का भौतिक जगत धार्मिक जगत के को ज्यादा महत्व देता है, यहाँ भौतिकता की जगह धार्मिकता को ज्यादा दी गई है। वो कहते हैं, हम देखते हैं हिंदू जन जो था परंपरागत हिंदू इतिहास तीन खंडों में बांटा है, 300 से 1700 एडी के मध्य का प्राचीन काल, 700 से 1500 एडी मध्यकालीन भारत, और 1500 से आपके 1800 एडी का आधुनिक भारत। गुप्त साम्राज्य को कहते हैं, उसका अध्ययन करके ऐतिहासिक अध्ययन करके था, इसमें संस्कृत का सबसे ज्यादा विकास हुआ। यहाँ पे धर्म कला विज्ञान दर्शन नैतिकता भाषा का बहुत ज्यादा विकास हुआ। शंकराचार्य का वेदांत दर्शन की व्याख्या करते कहते हैं हिंदू धर्म को इसने संगठित किया। इस युग में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग था, ये जो है गुप्तकाल सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग था। मध्यकाल तक भारतीय संस्कृति में जो थी परंपराएं जाति प्रतिबंध ऊंच नीच के स्थिरीकरण का विरोध शुरू हो गया। फिर यहाँ पे गुरु नानक आए मध्यकाल में, मीराबाई आए, रमन आए, कबीर आए, तुलसी चैतन्य तुकाराम दादू है ना रामदास, ये सारे भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। ये सारे जो थे भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे, इन्होंने अपने भक्ति के आधार पे हिंदुओं की कट्टरता की आलोचना की। हिंदू धर्म की जो कट्टरता थी कुरीतियां जो आ गई थी उसकी इन्हें किया। जाति लिंग और धार्मिक विश्वासों पर आधारित जो असमानताएं थी उसको समाप्त किया। अब मध्यकालीन भारत के बाद आधुनिक भारत में हम प्रवेश करते हैं। इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक के साथ साथ धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं बृहत परंपरा के बीच में अंत्यक्रिया होने लगती है। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय के उदय से हिंदू धर्म की लघु परंपरा और बृहत परंपरा, लघु और बृहत परंपरा के बीच में टकराव होने लगा, जिसे कहते हैं कि भारत में परंपराएं समाप्त नहीं हुई बल्कि उनका आधुनिकीकरण हुआ, उनका मॉडर्नाइजेशन हुआ। परंपराएं जो लोग कहते हैं ना कि भारत की परंपराएं समाप्त हो गई हैं, योगेंद्र सिंह कहते हैं भारत में परंपराएं समाप्त नहीं हुई बल्कि परंपराओं के समाप्ति के साथ साथ उनका आधुनिकीकरण हुआ, उनमें मॉडर्नाइजेशन हुआ। वो कहते हैं जैसे भारतीय समाज में विभेदीकरण की प्रक्रिया है, उसने भारतीय सांस्कृतिक में परंपराओं में बहुत बदलाव लिया। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसको देखिए जैन बौद्ध और सिख अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा पर आधारित धर्म है, लेकिन देखा जाए तो इनकी आत्मा हिंदू परंपरा पर आधारित है। ये हिंदू परंपरा से ही निकले धर्म है ना। ये तीनों धर्म शहरी व्यवसायी समुदाय के कारण, शहर के व्यवसायी समुदाय के कारण गतिशील हुए हैं। व्यापारी समाज की जैन और सिख धर्म के प्रचार में बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका रही है। अब ये कहते हैं बौद्ध धर्म तो कहता है कि समाज में कोई भी जाति लिंग का कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपना सकता है, उसमें मोक्ष की प्राप्ति पर जोर देता है, आत्मसंयम की बात करता है। जाति स्थिरीकरण को लचीला करा है इसने, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ये तीनों धर्म भी जाति की अवधारणा नहीं समाप्त कर पाए। देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, इसमें जाति की सारी बुराइयां दूर की गई, लेकिन इतने सशक्तता के बाद भी, एक लंबे समय के बाद भी भारत की जाति व्यवस्था नहीं, इसीलिए वो योगेंद्र सिंह कहते हैं कि हमारे यहाँ परंपराओं का मॉडर्नाइजेशन होता है, आधुनिकीकरण होता है, परंपराएं समाप्त नहीं होती। देखिए जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हुई, जाति में सुधार हुआ, बदलाव हुआ, लेकिन जाति समाप्त नहीं हुई। इसके बाद कहते हैं धर्म परिवर्तन जो है विभिन्न धर्म में सुधार आंदोलन और भक्ति आंदोलन के कारण हुए, जो अनुकूलनशील थे, संरचनात्मक नहीं। वो कहते हैं हमारे यहाँ संस्कृति की परंपरा को परंपरातागरण ट्रेडिशनलाइजेशन की बात करते हैं आप, कहते हैं संस्कृति के साथ साथ यहाँ पे गैर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी चलती रहती है, गैर संस्कृतिकरण की भी, पुनर्संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी पाई जाती है। भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता है कि यहाँ पे संस्कृतिकरण, गैर संस्कृतिकरण और पुनर्संस्कृतिकरण के तीन प्रक्रिया, संस्कृतिकरण, गैर संस्कृतिकरण और पुनर्संस्कृतिकरण, ये तीन प्रक्रियाएं भारतीय समाज में सतत रूप से चलती हैं। इसको विवेचित करते हैं कि भारतीय संस्कृति पे जो भारी संस्कृति का प्रभाव पड़ा, उसको उन्होंने कहा कि यहाँ पे भारतीय संस्कृति में आप देखिए वैदिक काल से पहले मुगल का प्रभाव पड़ा, फिर ब्रिटिश के आने से ईसाई संस्कृति का, तो भारत में इस्लामीकरण हुआ, पश्चिमीकरण हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, ये तीन प्रभाव हमारे यहाँ हमको देखने को मिलते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो आधुनिकीकरण है इसने भारतीय समाज को बहुत ज्यादा बदलाव, इसके लिए पांच शक्तियां, वो आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन के लिए योगेंद्र सिंह पांच शक्तियों को जिम्मेदार मानते हैं। पहला संस्कृतिकरण, ये आंतरिक पार्ट है संस्कृताइजेशन, जिसकी बात अपन ने एम एन श्रीनिवास के सिद्धांत में पढ़ी थी। इस्लामीकरण, ये बाहरी शक्ति थी कि इस्लाम भारत से आया, उसने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। पश्चिमीकरण, ये भी बाहरी शक्ति थी, अंग्रेजों के माध्यम से आई। आधुनिकीकरण, ये टेक्नोलॉजी और शिक्षा के प्रसार के साथ आई, ये भी बाहरी शक्ति थी। भूमंडलीकरण,
जब पूरा विश्व एक होने लगा, ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये भी बाहर की शक्ति है, लेकिन इसने भी भारतीय समाज पे, भारतीय संस्कृति को बहुत कुछ बदला है। ग्लोबलाइजेशन ने हमारी पूरी प्रक्रियाएं बदल दी हैं। इन पांच संस्कृति का जो है भारतीय संस्कृति पे जो प्रभाव पड़ा उसकी विवेचना करते हुए कहते हैं, इसने इस्लामीकरण ने क्या करा, हमारी परंपराओं में परिवर्तन नहीं करा, इस्लामीकरण ने हमारी परंपराएं नहीं बदली, लेकिन पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण ने हमारी पूरी परंपराएं बदल दी। बोले कितना बड़ा अंतर है, इस्लामीकरण के कारण हमारी परंपराएं तो यथावत रही, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और भूमंडलीकरण ने हमारी पूरी परंपरा बदल दी। इसलिए वो कहते हैं इस्लाम में समग्रता का सिद्धांत प्रचलित है। इस्लाम की समग्रता एकादवादी सिद्धांत दिखती है, अर्थात मुस्लिम अपने धर्म को सामूहिक रूप से प्रदर्शित करते हैं, और भारतीय संस्कृति के संपर्क में आने में उनमें भी देखिए बदलाव हुआ, उनमें जाति के गुण आ गए। इस्लाम में अब चार तरह के समूह बन गए हैं। वो मॉडर्नाइजेशन की बात जो करते हैं वो कहते हैं कि इस्लाम में जो आया भारत में उसमें भी बदलाव आया। सैयद शेख उच्चकुलीन वर्ग के हैं जो धार्मिक संस्थाओं पर जिनका आधिपत्य है। मुगल और पठान लड़ाकू सामंतवादी हैं। तो ये कहते हैं 17वीं शताब्दी में जब हमारे यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई तो उसने बहुत से कानून बनाए, उसने हमारी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए पश्चिमीकरण के कारण हमारे यहाँ कई नियम बने, जैसे नागरिक नियम बना 1859 में, उत्तराधिकार अधिनियम, अनुबंध अधिनियम, रिलीफ नियम, संगठन अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, अखबार अधिनियम, सहकारी अधिनियम, है ना, निजी शिक्षण संस्था अधिनियम, ऐसे ये सारी जो है हमारे यहाँ पे बदलाव आने लगा। मैकाले ने 1835 में आधुनिक शिक्षा भारत में प्रारंभ करी, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयीन शिक्षा के शिक्षण संस्थान स्थापित हुए, जिसमें नई विचारधारा, समानता, विवेकशीलता, वैज्ञानिकता और व्यवहारिकता शुरू हुई। फिर राजनीतिकरण की बात करते हैं, कांग्रेस की स्थापना हुई 1888 में, जिसमें एओह्यूम थे, जिसने भारतीय काउंसिल अधिनियम बनाया, स्थानीय स्वशासन अधिनियम बने, नया काउंसिल अधिनियम बना, मिर्ले मांटो सुधार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ये अलग अलग अधिनियम बनते गए। यहाँ वो कहते हैं संस्कृति का आधुनिकीकरण के साथ साथ नवीन शब्दावलियां भी आने लगी हमारे यहाँ भारत में, जैसे इंजेक्शन, मिक्सर, पेंसिलिन, कलेक्टर, कोर्ट, जज, बैरिस्टर, रेल स्टेशन, सिग्नल, ट्यूबवेल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैक्टर, बाइसिकल, ये नई नई शब्दावली अंग्रेजों के कारण, मतलब सांस्कृतिक आधुनिकीकरण के कारण भारत में नवीन वैज्ञानिक शब्दावलियां भी हैं। इसलिए आधुनिकीकरण को प्रभाषित करते हैं, आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परंपरा की तुलना में अधिक लचीलापन होता है। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परंपरा की तुलना में अधिक लचीलापन होता है। आधुनिकीकरण विज्ञान की तरह संपूर्ण विश्व को समान रूप से देखने के योग बनाता है, इससे हमारी मूल संरचना बदलती है। वर्तमान में भारतीय समाज में योगेंद्र सिंह कहते हैं तकनीकी क्रांति ने व्यापक बदलाव दिए। मोबाइल फोन तो हम देख ही रहे हैं, इसने व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार तक को प्रभावित कर दिया। आज घर में काम करने वाले नौकर, नौकरानी सब मोबाइल फोन रखें, यानी मोबाइल फोन अगर आपके पास नहीं है तो आपकी कोई पहचान ही नहीं है। और वास्तव में मोबाइल फोन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है। समाज में मोबाइल फोन के आने से योगेंद्र सिंह कहते हैं शब्दावली भी बदल गई। देखिए जब से हमारे मोबाइल फोन आया, SMS, MMS, व्हाट्सएप, टैगो आदि चलन में आ गए, है ना, शॉर्ट में हम बात करने लगे, हम हर चीज के निकनेम, शॉर्ट नेम लेने लगे, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र ने जो पहले साक्षरता क्या कहलाती थी, जो अक्षर ज्ञान जानता, पढ़ना लिखना जानता उसको साक्षर कहते थे, लेकिन कंप्यूटर आने से जो कंप्यूटर साक्षर नहीं कहलाता, अब कहलाता है कंप्यूटरेट, यानी जिसको कंप्यूटर का ज्ञान है वो ही साक्षर मनाएगा, यानी कंप्यूटर ने ज्ञान का भंडार कर दिया। इसलिए समाजशास्त्री यहाँ पे योगेश अटेल ने भी कहा है, परिवर्तन में अब ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी की आवश्यकता नहीं रही है, अब लीप फ्रॉगिंग, यानी लीप फ्रॉगिंग की आवश्यकता है, मेढक की तरह उछल उछल के हमको ऊंचाइयां प्राप्त करना है। परिवर्तन के लिए वो कहते हैं चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी नहीं चलना, हमको लीफ फ्रॉगिंग करना है, मतलब मेढक जैसे उछल उछल के चलता उस तरीके से हमको ऊंचाइयां पार करना है। अब तो सीढ़ियां भी स्वयं चलने लगी हैं। आज हम देख रहे हैं ना, किसी भी मॉल में जाते, रेलवे स्टेशन में देखिए एस्केलेटर कहते हैं ना, सीढ़ी चल रही है, आपको नहीं चलना पड़ रहा, सीढ़ियां खुद चल रही हैं। ये एक परिवर्तन है जिसमें अब समाज को हम पीछे से देखने की जगह भविष्य झांक रहे हैं। तो भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण में योगेंद्र सिंह ने कहा एक विश्लेषणात्मक अवधारणा है, और उसको उन्होंने तीन चरणों में स्पष्ट किया। सामंतवादी अभिजात वर्ग का वर्चस्व धर्म और शक्ति के आधार पर हुआ, राष्ट्रवादी उदारवादी अभिजात वर्ग का उदय हुआ,
आजादी पश्चात एक नवीन अवजात वर्ग का जन्म हुआ और इसके आधार पर एक नवीन नौकर शाही वर्ग जो विवेकशील और लिखित नियमों पर आधारित है, ये भारतीय परंपरा से अलग नहीं हो सका। आज हमारे यहाँ जो संयुक्त परिवार में संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन यह वास्तव में अनुकूलनशीलता का परिवर्तन, उसको कहते हैं संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है लेकिन अनुकूलनशीलता का परिवर्तन। ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसमें परिवर्तन के साथ साथ स्थिरता भी है। जैसे गांव में कृषक एक ही फसल लगाते थे लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि गांव के किसान तीन तीन चार चार फसलें लगा लें, मटर भी लगाते हैं, गन्ना भी लगाते हैं, गेहूं भी लगाते हैं। ये उनकी एकता है, ग्रामीण एकता है। समाज में व्यक्तियों के मध्य संवेदना की प्रकृति आज नातेदारी और परिवार व्यवस्था प्रकार कर रही है। इसके व्यवहार के तरीकों में अंतर आ गया है, जाति में बदलाव हुआ है, खानपान का प्रतिबंध, व्यवसाय का प्रतिबंध समाप्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं जाति के जाति भावना समाज में महत्वपूर्ण प्रकार के रूप में। जाति में परिवर्तन हुआ लेकिन व्यवहार के रूप में आज भी जाति आधारित गुट है। इन व्याख्याओं से स्पष्ट होता है योगेंद्र सिंह की भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण जो है उद्विकासी ढंग से देख सकते हैं। आधुनिकीकरण को अपनाने या स्वीकार करने के बाद भी भारतीय समाज की परंपराएं जो हैं वो वर्तमान में विचारधारा पारंपरिक परंपरागत विचारधारा की स्थिरता आज भी बनी हुई। अर्थात भारतीय समाज में परंपरा और स्थिरता दोनों समांतर रूप से यहाँ पर चल रही। ये था योगेंद्र सिंह का भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। इसको अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊंगा, एक भारतीय समाजशास्त्र के अग्रणी चिंतक ओरिएंट ब्लैक स्वान की किताब है और शिवलाल अग्रवाल आगरा की किताब यूनिफाइड समाजशास्त्र ध्रुव दीक्षित की, उसमें आप इसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे अगले विषय में अगली क्लास में मिलेंगे।